मैं नहीं बेचूंगा क्योंकि ये इतना बड़ा साइज का मेल मिलेगा नहीं सर मेरे को सर फटाक से। अच्छा ये क्या आर्चेंजल है? ये व्हाइट टॉप, इसका सर देखिए व्हाइट है हाँ। इसलिए इसको बोला जाता है व्हाइट टॉप आर्चेंजल। अच्छा जी, इसको छोड़े क्या अभी हाँ। इसका प्राइस क्या चलता है? ये बेबी मिलता है, जो भी पेयर से आप धीरे धीरे मैं कम करूँगा, आस्ते आस्ते दो एक पेयर लाऊंगा फिर दो एक पेयर कम करूँगा, ऐसे ऐसे कम करूँगा। बहुत अच्छा जोड़ी है, इसका दो तीन बार बच्चा निकला वो सब सेल हो गया, लेके चला गया। इसका लुकिंग बहुत बढ़िया है। तो चलिए आज आप लोगों को काजोला का फार्म ले चलते हैं, तो उनका फार्म में बहुत अच्छा अच्छा कलेक्शन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और ये वीडियो में बहुत सारा टिप्स शेयर किया गया, वो भी आप लोगों को सुनने को मिल जाएगा। और हम इसलिए गए थे न्यू गुड़िया, और वहाँ से मेरे को भाई ने ड्रॉप किया, बहुत भूख लग रहा था तो होटल में भी थोड़ा खा लिए और फिर चला गया भायाग्राफ में। हाँ ये वीडियो थोड़ा बड़ा है, लेकिन आप लोग पेशेंस रख कर थोड़ा देखिए, बहुत अच्छा लगेगा और बहुत कुछ जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। और अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, और आप लोगों को क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और कुछ जानना है या कबूतर खरीदना है तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी लास्ट तक शेयर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आप लोग देख रहे हैं चार तरफ हरा भरा, बहुत अच्छा बहुत शांत माहौल है, चार तरफ पेड़ पौधा है, और इसके अंदर एक बहुत बड़ा सा लॉफ्ट है, नीच में बाट्स का लॉफ्ट है और ऊपर में कबूतर का लॉफ्ट है, वो आप लोगों को दिखाते हैं। तो चलिए कैसे मतलब भाई ने मेंटेनेंस करते अंदर में जाते हैं। देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन, ओपन योर शूज एंड वॉश योर हैंड्स। और नीच में चूना दिया गया, मतलब ये बहुत अच्छा डिसइंफेक्टेंट होता है। तो भैया यहाँ पर खड़ा है काजोला, तो जी थोड़ा आइए ना, थोड़ा बता दीजिए। देखिए आने के बाद यहाँ पर कुछ स्लीपर रखा जाता है, सैंपल स्लीपर जो मैं बाहर खोल के आए हैं, तो ये आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, हम पहन के आते हैं। आपका जो आप पहन के जो आएगा वो बाहर उतारना है। अच्छा अच्छा, अंदर वाला स्लीपर पहनना है हाँ। और वहाँ पे हाथ धोना है, यहाँ पर हाथ धोना है। और देखिए कबूतर और बाट्स के लिए बहुत सारा एक्सेसरी और खाना, फूड्स, फूड ट्रे से शुरू करके सब कुछ यहाँ पर स्टोर रूम है शायद। स्टोर नहीं, यहाँ पे स्टॉक रखा जाता है, उधर भी रूम है रखने के लिए, लेकिन जो रेगुलर में आता है यूज़ होता है वो यहाँ रखा जाता है। अच्छा, हम लोग यहाँ रखते हैं। अच्छा अच्छा, आप मतलब मेंटेनेंस कौन करती है? मेंटेनेंस मैं करता हूँ, और जो काम करता है यहाँ पे जो दो लेडी है, आंटी है। आप पानी कैसे देता है? ये क्या फिल्टर है? फिल्टर का पानी होता है ये। अच्छा, एक आर्सेनिक रिमूवर है। आर्सेनिक पानी का, आर्सेनिक वोलेटिलिटी हाँ जी, और आपका जो आयरन होता है वो रिमूव हो जाता है। अच्छा, होने के बाद ये फिल्टर होकर निकलता है यहाँ से और यहाँ से। अच्छा, ये बर्ड्स को ऊपर भी चला गया है। अच्छा, यही पानी बर्ड्स को और कबूतर को दोनों को प्रोवाइड किया जाता है। और यहाँ पर कुछ रूटीन है क्या? ये बोर्ड है, ये मैं अपने खुद के लिए मेंटेन करता हूँ कि इसको पिजियंस को नेक्स्ट वैक्सीन कब देना है वो डेट डाला मैंने। अच्छा, नेक्स्ट स्प्रे कब करना है, डिसइंफेक्टेंट स्प्रे। अच्छा, नेक्स्ट एप्पल सीडर विनीगर कब देना है। हाँ, फिर नेक्स्ट काढ़ा कब खिलाना है। हाँ, फिर ये मेरा हिसाब लिखा हुआ, थोड़ा स्टॉकिंग का क्या हिसाब स्टॉक रखना है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा से फार्म को मतलब मेंटेनेंस किया जाता है। अगर आप लोग प्रोफेशनली करने चाहते हैं तो मेरा मानना है कि आपको ज़रूर एक बार काजोला का फार्म में आना चाहिए। आप चाहे कबूतर या बाट्स खरीदे या ना खरीदे, लेकिन आकर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इतना स्टॉक है, सब ड्रम में रखा हुआ है कि इसमें फंगस ना आए। अच्छा अच्छा, अगर हम लोग उसमें रखे, बोरिया में रखे थे ना हाँ जी, तो बोरिया में रखने से कंटिन्यूसली फंगस भी आ सकता है बरसात के मौसम में। अच्छा जी, इसलिए सब ड्रम में रखा है। अच्छा, जो बर्ड है मेरा उसका फूड बना के रखा है, अब ये ख़त्म होने को आया तब फिर ये हम लोग 100 किलो एक साथ बनाएंगे। अच्छा जी, अच्छा तो ठीक है, ये आप लोग देखिए, और चाहे आप लोग खरीदे या ना खरीदे, हम तो बहुत दिनों से भाई के साथ कॉन्टैक्ट में है, हम जब कोई प्रॉब्लम होता है भाई के साथ कॉन्टैक्ट करते हैं तो मतलब भाई ने बहुत हेल्प करता है। तो चलिए, तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जो भी नया शौकीन है, जो न्यू हॉबीज है, उसको हेल्प करना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो गलती कर चुका है वो गलती ना करे, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि उसको थोड़ा हेल्प करे कि उसका फाइनेंस लॉस ना हो। सोच लिए कोई कबूतर कोई बर्ड उसने खरीद लिया 8,000-10,000 रुपया दे के, उसका घर में जाकर एक्सपायर कर गया, तो वो ना हो, उसके लिए हम लोग एडवाइस करते हैं कि कैसे कर रहे हैं कि उसको आसानी होगा, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, मैं ईशान और आप लोग देख रहे हैं पेट लवर ईशान। तो ये आप लोग शायद पहचान पा रहे हैं, काजोला मेरे पास है। पहले काजोला का वीडियो हम डाले थे, आप लोगों को बहुत प्यार मिला, बहुत सपोर्ट मिला,
और पहले अनफॉर्चुनेटली फ़ोन नंबर नहीं दिए दे पाए थे, लेकिन इस बार फ़ोन नंबर एड्रेस सब कुछ दे देंगे। फर्स्ट टाइम तो भैया ने मतलब कैमरा के सामने भी नहीं आया था, लेकिन आज सब कुछ आप लोगों को बताएंगे और सब कुछ खुलकर डिस्कस करेंगे। तो चलिए भैया के साथ मिलते हैं और भैया से भैया का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो जी आपका इंट्रोडक्शन थोड़ा बता दीजिए। मेरा नाम काजोल है, सब मुझे काजोल दा बोल के पुकारते हैं। ये मेरा जो फर्म है ये आपका सोनारपुर एरिया में है। अगर आप बाइक से आओगे तो गोड़िया के थ्रू आना पड़ेगा, अगर आप ट्रेन से आओगे तो सोनारपुर से आना पड़ेगा। वो मैं डिटेल में बता दूंगा अगर कोई आएगा तो कैसे आना है, बाई ऑटो या बाई बस या बाई बाइक अगर आना है तो दैट विल डिस्कस अकॉर्डिंगली, हम बता देंगे उसको। फोन नंबर तो दिया रहेगा। प्रोफेशनली क्या करते हैं? प्रोफेशनली मैं जॉब करता हूँ, आई एम होल्डिंग पोजीशन ऑल इंडिया लेवल इन कमर्शियल डिवीजन ऑफ वन रिप्यूटेड फार्म इन इंडिया। और ये मेरा हॉबी है। तो बर्ड्स भी मेरे पास है, ग्राउंड फ्लोर में आपने देखा है, और पिजियंस भी है, फैंसी पिजियन। तो चलिए सब मिलके देखते हैं, एंजॉय करते हैं। भैया के साथ मेरा बहुत दिनों से कांटेक्ट में है हम भैया के साथ। तो भैया ने मेरा मतलब बहुत हेल्प करता है, जब फ़ोन करता है कभी इग्नोर नहीं करता है। तो चलिए मेरा विश है कि आप लोगों को भी अगर प्रॉब्लम होगा तो भैया के साथ फ्रीली आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं भैया। श्योर श्योर, नो प्रॉब्लम। बहुत अच्छा मेंटेनेंस करता है भाई फार्म के अंदर। तो चलिए देखते हैं और जाते हैं, बात करते हैं। पर दो गेट है शायद ये रूम को मतलब लॉफ्ट को अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए ये और एक एक्स्ट्रा गेट बनाया गया। और यहाँ पर बहुत सारा प्लांट्स भी लगाया गया। तो देखिए तीन रो है शायद या दो रो है। देखिए कितना बड़ा फार्म है, कितना बड़ा लॉफ्ट है और कितना साफ सुथरा मेंटेन किया जाता है यहाँ पर। तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग भी आइए, बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए एक एक करके भैया का कबूतर देखते हैं और भैया से बात करते हैं और भैया कैसे ट्रीटमेंट करता है, क्योंकि हम बहुत बार भैया से हेल्प लिए हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो भैया का बहुत मेडिसिनल एक्सपीरियंस है तो वो भी जानेंगे। तो चलिए फर्स्ट कबूतर देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट इंडियन फैंटिल से। ये आपने पिछला बार भी देखा था। हाँ, ये मेरा सबसे ओल्ड पेयर है, इसको मैं कभी सेल नहीं करूँगा। अच्छा, कितना सालों से आपके पास है ये? मेरे पास 3 साल से ज़्यादा है। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम आप ले आए थे? ये फर्स्ट टाइम मैंने लेके आया था, ये मैं बाजार से लेके आया था, मतलब मेला होता है ना मेला। हाँ जी, मेला से मैं जाके लेके आया था, ऑफिस से जाके मेला से खरीद। लेकिन क्या मेला से या बाजार से लेना सही होता है कबूतर? नहीं, अभी तो राइट नाउ जो पोजीशन है, जैसे आदमी सेल कर रहा है, ओनली सेल कर रहा है, ऑब्जेक्टिव बन गया आदमी का, क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है। तो सबको रिक्वेस्ट करेंगे कहीं से भी लेना है खुद जाइए, फर्म में जाइए, फर्म में विजिट करके फर्म से लेकर आइए। क्योंकि अगर आपको सेटअप बनाना है अच्छा, हाँ, तो फर्म से ही बच्चा उठाना सबसे सही रहेगा। अगर कोई हार्ड या मेला से लेंगे तो उसका जो मतलब प्रीवियस ब्लड लाइन क्या है, उसका प्रीवियस हिस्ट्री क्या है, पेडिग्री क्या है, किसी को कुछ मालूम नहीं, या उसके अंदर कोई बीमारी है या नहीं, नहीं है ये भी नहीं मालूम है। हाँ, सिर्फ दाम कम होता है थोड़ा, बस दाम कम होता है, बस प्राइस दाम यहाँ ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि उसका मेंटेनेंस कॉस्ट है ना। मेंटेनेंस क्वालिटी भी मिलता है, क्वालिटी मेंटेन कि हम लोग जब लाए कहीं से तो हमको भी तो वो कॉस्ट देके लाना पड़ा। हाँ, फिर हमने उसको बड़ा किया 6 महीना रख के, फिर अंडा बच्चा हुआ, फिर हम उसको सामने वाले को देंगे। मेरे भी हिसाब से मतलब कोई अच्छा ब्रीडर अगर मिल जाए तो उससे लेना चाहिए होगा। आप एक पेयर कहीं से शौक से ले लिए वो अलग बात है, लेकिन अगर आपको फॉर्म बनाना है प्रोफेशनली, हाँ, काम करना है। नहीं नहीं, एक प्यार क्या बीमारी होकर मर जाता है, हम बहुत ऐसी रिपोर्ट आया है। बीमारी तो ये तो कॉमन है, बाजार चलने से बीमारी होना है कॉमन। तो चलिए नेक्स्ट दिखाए, ये मेरा बोर्ड देख लीजिए। हाँ हाँ, ये भी आप पूछ रहा था। अच्छा अच्छा, ये बोर्ड मैं रखता हूँ, रूटीन फॉलो किया जाता है इधर पे ना, ये मेरा एक प्रॉब्लम है। तो नेक्स्ट वैक्सीन रेड जैकोबिन टैम्पेडर, एक वैक्सीन कब देना है, हम लसोटा वैक्सीन जो करते हैं उसका डेट लिख दिया, 1 फरवरी से 10 फरवरी के अंदर मेरे को नेक्स्ट वैक्सीन करना है। अच्छा, फौरानी के दो लसोटा, लसोटा। और ये रेड जैकोबिन का सेकेंड एक को फॉस्टर करना है, और ट्रम्पेटर का जो सेकेंड एग है उसको फॉस्टर करना है, इसलिए मैं लिख के रखा हूँ कि भूल नहीं जाऊँ, उसको फॉस्टर करना है, क्योंकि उस टाइम फॉस्टर के पास एक नहीं था, इसलिए लिख दिया कि अभी एक हो गया तो उसको फॉस्टर करना है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो ये मेरा दूसरा प्यार है, ब्लैकलेस ब्लॉन्डिनेट का। अच्छा, ये परसों अंडा दिया है फर्स्ट टाइम। वाह, फर्स्ट, मैं बच्चा ही लेके आया था, बड़ा हुआ अभी। इसका प्राइस क्या है जी? बच्चा आएगा तो फिर मार्किंग के ऊपर प्राइसिंग होगा, ऐसी नॉर्मल मार्केट प्राइस के चलो 7000 एवा भी आएगा। अच्छा अच्छा, मार्किंग सही आया तो, मार्किंग सही आया तो। ये एक मेरा, ये भी और पुराना प्यार है बहुत। ये बहुत प्यारा प्यारा सा प्यार है, कैसे काटते हैं तो रेड चेकर शाटिन है। हाँ,
अच्छा, ये आपका बेटा का सबसे प्यारा? मेरा, मेरा बेटा का फेवरेट है। अच्छा। बोल दिया पापा इसको नहीं सेल करना है। इसमें एक फीमेल है, ये तो ऑलरेडी सेल हो गया है, टुमारो ये आके लेके जाएगा। टुमारो इट विल बी डिलीवर्ड। फीमेल है ये, सेल हो चुका है। ये ऐसे पेयर लेके साथ बैठा हुआ है, इसने दोनों में एक भी डाला एंड एक में ब्लड भी आया, सब कुछ हुआ, तो फीमेल मेरा जान पहचान वाले भी लेके जाएगा वो कल। अच्छा, यहाँ पर ऐसे ही हर केज में ऐसे बोर्ड रहता है? हाँ, बोर्ड तो लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरे को हिस्ट्री कैसे मालूम चलेगा क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। हाँ जी, याद रखना इतना लिखते? तो मुश्किल हो जाता है ना। इधर आइए, रिपोर्टर दिखाते हैं, ये मेरा एक ब्लू वाटर, आ जाओ। इसका अभी 4-5 बेबी है। अच्छा अच्छा, बड़ा हो रहा है, सब फॉस्टर पे है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये ब्लू पॉटर है, ये जो मिडिल रो आप देख रहे हैं। हाँ, ये है मास्टर। अच्छा, ये मिडिल रो पूरा मास्टर है। अच्छा, और लेफ्ट साइड पूरा फॉस्टर है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट पे बिठाया गया। अच्छा अच्छा, ठीक है, मिडिल जो होगा जो भी अंडा देगा उधर चला जाएगा। अच्छा जी, और ये बल्ब क्यों लगाया गया? ये यहाँ पे तो गाँव है, यहाँ पे हम लोग बल्ब लगा है थोड़ा टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, ठंडी के टाइम में बहुत ज़्यादा ठंडी होता है। हाँ, जैसे कल बहुत ज़्यादा ठंडा था, ठंड तो सब नहीं जलाते, सब जला देंगे तो सब जगा हुआ रहेगा, सोएगा नहीं। अच्छा, इसीलिए हिसाब करके जलाया जाता है, कभी किसी दिन दो बल्ब जलाया। अच्छा, आज अगर ये रो जलाया तो कल वो रो जलाएंगे। अच्छा, आज इसको आराम से नींद मिल जाएगा। अच्छा अच्छा, इसको डिस्टर्ब नहीं। लेकिन और एक चीज़ कर सकते हैं आप, अगर सुबह में शाम 6 बजे से 10 बजे तक सब जला के रखेंगे और 10 बजे से मतलब सुबह शाम तक, मेरा यहाँ पे जो काम करता है। हाँ, वो तो एक्चुअली शाम के बाद चला जाता। अच्छा, लेकिन वापस रात को नहीं आता। अच्छा, इसीलिए हम लोग क्या करें 2-3-4 हिसाब से जलाते रहते हैं। अच्छा अच्छा, अभी आज जैसे कल मेरे को बताया 3 जलाया। हाँ, कोई ये 2 और उधर पे कोई 1 जला दिया होगा। अच्छा, ऐसे करके मेंटेन कर। अब हीटर भी लगा जा सकता है? हीटर भी लगा सकते हैं। अच्छा, हीटर में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा ज़्यादा आता है, इसमें मैं मेंटेन कर सकता हूँ। जैसे 100 वाट का 3 बल्ब लगा तो 300 वाट जलेगा। हाँ, उसमें तो एक ही में तो 1000 वाट 1000 वाट हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट, ये फ्रील बैग है। वाह, इसका फ्रील तो बहुत ज़बरदस्त है। ये मेल है फीमेल है? ये क्या रनिंग पेयर है क्या? ये रनिंग हो चुका है लेकिन इसको मैं सेल कर दिया ऑलरेडी। अरे बाप रे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मेरे को पॉटर किंग और अच्छा ड्यूटी हुमर में काम करना है, ये 3 ब्रीड। अच्छा, इसीलिए जो भी पेयर्स यहाँ पे है धीरे धीरे मैं कम करूँगा, आस्ते आस्ते 2-1 पेयर लाऊँगा, फिर 2-1 पेयर कम करूँगा, ऐसे ऐसे कम करूँगा। बहुत अच्छा जोड़ी है, इसका पैर का भी फ्रील देखिए। हाँ, पैर का लेग का फ्रील बहुत बहुत बढ़िया। तो ये सेल हो गया, और जो जो सेल में रहेगा तो थोड़ा बता दीजिएगा। हाँ, ये मतलब सेल का बात हो गया, उसको बोला है 2 तारीख के बाद आएंगे, अब देखते हैं। अगर वो आता है तो दे देंगे, नहीं आएगा नहीं तो दूसरे को दे देंगे। हाँ जी, वो तो डिपेंड करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये इसी साइड में देखिए, इधर पे है जैकोबिन का पेयर है, वाइट हॉलैंड जैकोबिन। ये फीमेल है? नहीं, ये मेल है, ये फीमेल है। ये रनिंग पेयर है? ये रनिंग पेयर है। इसका बच्चा कितने में सेल किया जाता है? इसका बच्चा हम लोग अगर पूरा व्हाइट हुआ तो अराउंड 7000 सेल करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा ब्लैक वाइट ब्यूटी हुमर का पेयर है, इसका 2-3 बार बच्चा निकला, वो सब सेल हो गया, लेके चला गया। इसका लुकिंग बहुत बढ़िया है। ये क्या प्राइस रहता है जी इसका बच्चा? इसका बेबी सेल करते हैं हम लोग 8000। अभी इसका अंडा है वहाँ फॉस्टर किया हुआ है, और इसका बच्चा सेल के लिए कुछ दिन के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त लुकिंग लग रहा है, मतलब कैमरे में कैसे आ रहा है पता नहीं, लेकिन सामने से बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ब्लॉन्डिनेट है, ये मेल है, ये फीमेल है। ब्राउन लेस, ब्राउन लेस ब्लॉन्डिनेट, जैसा ब्लैक लेस आपने देखा, ये ब्राउन लेस है। यहाँ पे रोशनी कम मिल रहा है ना, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है जी थोड़ा और एक बार? ब्लॉन्डिनेट, ब्लॉन्डिनेट, ब्लॉन्डिनेट। हाँ, ब्लॉन्डिनेट। नीच में शायद मेल है, या मेल है वो फीमेल है, ये फीमेल है। इसका भी अंडा है, ये भी फॉस्टर किया हुआ है, अभी वो प्लास्टिक का एक पे बैठा हुआ है।
अच्छा अच्छा तो प्लास्टिक ही है। हाँ जी पोस्टरिंग में इसका अंडा। हाँ तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक किलर आ जाइए इसी इसमें ठीक से ही आ जाएंगे। ये रेड जैकोबिन। अरे ये अंडा फोस्टर है क्या? इसका अंडा फोस्टर क्या हुआ है? इसका बच्चा कितने में सेल करता है? ये रेड बच्चा 8000। 8000 में। अच्छा इसका जो हुड है काट दिया गया क्या? नहीं नहीं यही नेचुरल हुड है, कुछ काटा नहीं है। अच्छा तो नेचुरल हुड में ब्रीडिंग में कोई तकलीफ नहीं होता है? नहीं मैंने कभी काटा नहीं किसी का, वो व्हाइट कभी कभी काटा नहीं, इसका भी कभी काटा नहीं। अच्छा अंडा जम जाता है? हाँ अंडा जम जाता है, कोई दिक्कत तो ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ये है ब्लू लेस ब्लॉन्डिनेट। ब्लू लेस ब्लॉन्डिनेट वो था ब्लैक, वो था ब्राउन, ये है ब्लू। अच्छा चार पेयर? ये नहीं तीन पेयर हुआ और एक रेड है। रेड ये अंडा पर है क्या? हाँ ये प्लास्टिक अंडा पे है, इसका अंडा फॉस्टर क्या हुआ है? तो आपके पास फॉस्टर कितना प्यार है? करीबन 20+30 ऐसा होगा। लेकिन और मैंने मास्टर प्यार रेडी किया मैंने। और मास्टर प्यार कितना है? मास्टर होगा 20 ऐसा होगा, 20+ होगा। और फॉस्टर? फॉस्टर वो अभी शायद होगा 30 के करीब करीब होगा, लेकिन और फॉस्टर करना मतलब नीचे खाली है। अच्छा मास्टर से फॉस्टर ज़्यादा है? हाँ तो मास्टर 30 होगा तो 120 प्यार मेरे को फॉस्टर चाहिए। हाँ शिट वो तो जरूर, नहीं तो मैच नहीं करेगा। हाँ नहीं तो डेट मैचिंग करके अंडा डालना वो भी तो एक है। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। ये क्या है जी? ये आपका बारम्बाग ट्रम्पेटर। बारम्बाग? बारम्बाग ट्रम्पेटर। इसका बच्चा है मेरे पास, बहुत सारा 3-4 बच्चा है। अरे इसका कुछ काटा नहीं गया ना? कुछ नहीं, पैर का फेदर थोड़ा लेग 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 को थोड़ा काट देते हैं। हाँ इसका पैर का थोड़ा वो जो फेदर है थोड़ा काट दिया गया। हाँ उसको थोड़ा काटा गया। ये अंडा पर है क्या? हाँ इसका अंडा फॉस्टरिंग क्या हुआ? इसका बच्चे का क्या प्राइस रहता है? ये हम लोग देते हैं 8000-10000 ऐसा देते हैं। 8000-10000 वाह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये बच्चा करना थोड़ा सा मुश्किल भी है। ये चाइनीज आउल है। अच्छा ये पेयर अभी रेडी हुआ है, अभी इसको हम लोग को डालना है। ये शेडल आउल बोलते हैं उन्हें बहुत कोई? शेडल मतलब नहीं, मेरे को तो मालूम है इसको चाइनीज आउल ही बोलते हैं। ये कलर है आपका मिलीबार कलर। मिलीबार ये तो रेयर है बहुत। हाँ तो इसको अभी ये रेडी हो गया। तो आप बच्चा खरीदते? बच्चा खरीदा था, अभी ये रेडी हो गया, इसको अभी पॉट देना बाकी है, अभी इसको क्ले पॉट देंगे। अभी इसका क्या प्राइस चल रहा है? ये बेबी तो बेचते हैं 3500-4000 में बेबी बिकता है। उसका पैर में एक टैग दिखाई दे रहा है, वो कहाँ का टैग है? वो जिससे आया था उसका टैग है, वो मेरा टैग नहीं है, जहाँ से आया था वो टैग। ठीक है जी नेक्स्ट देखते हैं। आपका रेड लॉन्ग फेस है। रेड लॉन्ग फेस एडल्ट हो गया? हाँ अभी एडल्ट हो गया, ये भी मैंने बच्चा लाया था, अभी एडल्ट कर दिया इसको। तो ये यही खूबी है, आप अगर बच्चा ला के इसको एडल्ट करोगे घर में तो आपका घर का एनवायरनमेंट के साथ आपका खाना के साथ ये सूट हो जाएगा। हाँ। यहाँ भी इसको अंडा बच्चा करने में दिक्कत नहीं होगा। हाँ। और आप कहीं से बड़ा बड़ा पकड़ के लेके आए, जान पहचान नहीं कुछ नहीं मालूम नहीं, तो कैसे उसको रखेंगे? मार्केट से उठा के लेके आ गए। और नीच में एक प्लास्टिक का नेट दिया गया। हाँ इसका देने का ऑब्जेक्टिव है कि ये देखिए ये तो आयरन का है ना, लोहे का है, तो इसीलिए इसके ऊपर प्लास्टिक हम लोग डाल देते हैं कि अगर कहीं पैर फंस ना जाए। एक नंबर, दो नंबर, अगर अंडा दिया तो डायरेक्ट आयरन नेट के ऊपर आके टूट भी सकता है। तो प्लास्टिक नेट के ऊपर टूटेगा, ये सब पोर्टर हमेशा ही बाहर देता है। हाँ जी हाँ जी, लेकिन कभी टूटता नहीं। टूटता नहीं, ये इसका फैसिलिटी। और एक पॉइंट है, ठंड के टाइम ये बहुत ठंड हो जाता है, जो मेटल है में ये जो आयरन है ये भी बहुत ठंडा हो जाता है। ठंड हो जाता है, लेकिन प्लास्टिक रहेगा तो उतना ठंड नहीं लगेगा। ठंड नहीं लगता ऐसे, हम लोग को तो ज़्यादा प्रोटेक्शन कुछ है नहीं। हाँ। ये प्लास्टिक है। हाँ। वो भी पीछे खुला ही रहता है रात को। हाँ, अच्छा, वो सब अच्छा, नहीं डालते हम। अच्छा अच्छा पीछे प्लास्टिक चार तरफ है, पीछे वाला हम लोग नहीं डालते। और नेट भी है, नेट फास्ट है, मतलब हम वॉल की तरफ जाएंगे तो ये मॉस्किटो लिए रखा गया है। ठंड के टाइम मॉस्किटो काटने से वो ठंड नहीं, ये पूरा साल रहता है। अच्छा ये परमानेंट है? अच्छा ये राउंड द ईयर ये रहता है। अच्छा ये प्लास्टिक जो है ठंड के हिसाब से इसको गिराता है ये साइड और वो साइड, लेकिन वो नहीं गिराता है, वो उठा ही रहता है। और हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर से वो भी नहीं गिराएंगे। अच्छा पूरा ही ओपन रहेगा, जितना खुला रहेगा हवा आएगा उतना ज़्यादा अच्छा है। अच्छा जी हम लोग अभी ट्राई कर रहे हैं कि इसको खोल दिए, इसको नहीं उतारा जाता, तो अभी नेक्स्ट ईयर में ट्राई करेंगे इसको भी पूरा खुला रखने के लिए।
सिर्फ एक साइड वो बंद रहेगा, दिस साइड एंड बैक साइड। अच्छा जी, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बहुत अच्छा अच्छा कलेक्शन है, आप लोग देखते हैं, एक करके दिखाते हैं आप लोगों को। ये रेडलेस है, ठीक है, ये इसको अभी रेस्ट पे डाला है, मेल अलग है फीमेल अलग है। इससे एक बेबी हुआ था अभी, एक आदमी लेके चला गया। रेडलेस ब्रॉन्टी ये रेडलेस ब्रॉन्टी है, जैसा आपने ब्लैक लेस देखा, ब्लू लेस देखा, ब्राउन लेस देखा, ये रेडलेस है। ये मेल या फीमेल? ये मेल है, इसने कंटिन्यू दो बार अंडा दे दिया, इसीलिए मैंने अभी रेस्ट पे थोड़ा डाला। अच्छा, थोड़ा सा गर्मी तो आने दीजिए। कितना बार अंडा लेना चाहिए कबूतर से? तीन बार ले लो मैक्सिमम। फिर कितना दिन रेस्ट देना चाहिए? एटलीस्ट महीना भर तो रेस्ट देना चाहिए उसको। अच्छा, तो साल में उसको बॉडी में भी तो कैल्शियम बनाने के लिए वो टाइम देना चाहिए। साल में एक कबूतर को, कबूतर से कितना अंडा लेना चाहिए? छः बार से ज़्यादा मत, बिकॉज देयर आर लाइफ थिंग्स। लेकिन बहुत कोई ब्रीडर कबूतर से साल हर महीने में दो से तीन टाइम अंडा ले लेता है। उतना लेना ठीक नहीं है, ये तो लाइफ थिंग है ना, लिविंग बींग्स है, इसको भी तो जान है अपना। ओनली नॉट, डोंट ओनली थिंक अबाउट चिक्स, उसका तो बारे में भी सोचो। तो आप साल में छः बार लीजिए ना, छः बार बहुत होता है, छः बार बहुत होता है, छः बार कोई पहले शौक है, उसके बाद बिजनेस है, उसके बाद बिजनेस। इसमें अगर प्यार नहीं है तो कैसे करेंगे, शौक को आप बड़ा कैसे करेंगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये एक ब्लैक पोमेरियन है, ये बहुत अट्रैक्टिव जोड़ी, इसने भी अंडा दिया, मैंने फोस्टर पे डाला हुआ है। देखिए ब्लैक पोमेरियन बहुत शाइन कर रहे हैं, धूप में देंगे तो और ज़्यादा शाइन करेगा। ये तो अभी पाउडिंग उतना अच्छे से नहीं कर रहे, इसका जब मूड होता है तब पाउडिंग करता है ना जी। देखिए ये फर्स्ट टाइम ही अंडा दिया, अंडा में ब्लड भी आया, मैं देखा, इसलिए मैंने फोस्टर। प्लास्टिक का अंडा लेकर बैठा है क्या? हाँ, प्लास्टिक अंडा है उसके पास। इसका बच्चा का क्या प्राइस रहता है? बच्चा होगा तो फिर बता पाएंगे, अभी से ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है। हाँ जी, पहले होने दीजिए, क्या आता है रिजल्ट फिर देखेंगे। वाह, पैर क्या फेडर, देखिए क्या है टम्पेडर। ये पॉटर का एक बेबी है, ब्लैक पॉटर, ब्लैक पॉटर का। हाँ, और इधर ये ट्रम्पेटर का बेबी है। अच्छा, अरे तो चेक हो भी नहीं, ये फीमेल है क्या? पता नहीं क्या, अभी तो बेबी है, जस्ट तो हम लोग अलग किया है, 8-10 दिन होगा, उससे ज़्यादा नहीं। ये एक ब्लैक ब्यूटी हुमान है, इसको अभी एक नहीं ले कर रहा था, इसीलिए मेल फीमेल को अलग रखा मैंने। अच्छा, मेल को इधर रख दिया और फीमेल को उधर रख दिया। रेस्ट में है क्या? नहीं, रेस्ट में नहीं, इसको पेयरिंग करना है, पेयरिंग सही से नहीं हो रहा था, इसलिए अच्छा। मेल को इधर रखा है, फीमेल को अलग रखा है, 15 दिन अभी ऐसे रखेंगे, उसमें 10-12 दिन हो गया। अच्छा, और 3-4 दिन बाद फिर पेयरिंग करेंगे। रखने से अच्छा पेयर बनता है? हाँ, कभी कभी पेयरिंग में प्रॉब्लम करता, पेयर नहीं लेता, जैसे ये पेयर नहीं ले रहा है, तो इसलिए अलग रखा मैंने, फीमेल से इसको अलग कर दिया। अच्छा, फिर बाद में अभी 12 दिन शायद हो गया, और 2-3 दिन बाद इसको फिर फीमेल को डालेंगे, फिर देखेंगे इसका पेयरिंग कैसा हो रहा है, पेयर ले रहा है कि नहीं ले रहा है। अच्छा, क्या हमेशा ही फटाक से मेडिसिन मत यूज़ कीजिए किसी से सुन के। अच्छा, पहले ये सब नेचुरल ट्रिक अप्लाई करना चाहिए, नेचुरल अलग रखने के बाद होता है कि नहीं होता है। और नेक्स्ट देखिए, ये एक वाइट पोमेरियन है, इसका साइज देखिए। तो ये कितना दिनों में, कितना दिनों से है आपके पास? ये मेरे पास हो गया 5-6 महीना हो गया, 5-6 महीना। लेकिन ये मेरा दो ही मेल निकला बच्चा। अच्छा, दो बच्चा लाया था मैं, लेकिन दोनों मेल, तो इसको, इसके लिए फीमेल मैं कलेक्ट कर चुका हूँ, अभी घर में है, तो फीमेल थोड़ा छोटा है, थोड़ा बड़ा होगा फिर फीमेल देगा, लेकिन ये दो मेल ही मेरे को बेचना नहीं है, रखना है। अच्छा, ये मेल मैं नहीं बेचूँगा, क्योंकि ये इतना बड़ा साइज का मेल मिलेगा नहीं सर मेरे को, सर फटाक से ये दोनों ही मेल मैं रखूँगा, वो फीमेल से पेयरिंग करूँगा, वहीं से बच्चा निकाल के फिर इसको और भी पेयर कर दूँगा, लेकिन ये मेल नहीं सेल करेंगे, दोनों ही रखना है। बहुत बहुत बढ़िया, तो आप लोग संपर्क में रहिए काजुल्ला के साथ, अगर अभी ना हो पा रहे तो बाद में हो जाएगा शायद। तो ये तो कोशिश करना चाहिए आपको। हाँ, ये लिविंग बींग्स है, इसमें ऊंच नीच होगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि मशीन है, रात को 2 बजे तक बैठा दिया ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया। हाँ, ऐसा नहीं होगा, आपको लगन के साथ मेहनत करना है, लगे रहना है कि धीरे धीरे होगा। हाँ, पेशेंस बहुत जरूरी होता है, विश्वास। आप उसको प्यार करो, आपको प्यार देगा। हाँ, ये तो यहाँ पर बहुत सारे सिंगल रखा गया, वाइट जैक कुमार का मेल है। अच्छा, यहाँ पे एक एलमंड का बेबी है,
एलमोंड जैक का बेबी है, चीले रेड चीले का बेबी है, एक ब्लैक पुमा का बेबी है, इसको अलग रखा है। इसका फीमेल है मेरे पास अलग से, वो टेलमार्क है। हाँ, उसका फीमेल है मेरे पास। इसका मार्किंग तो सही लग रहा है। हाँ, ये तो अच्छा, ये मेरा पुराना पेयर है। ब्लैक, अभी ब्लैक बहुत क्राइसिस है बाजार में, बहुत कम किसी के पास। एक मेरा सेट तो है ही, और एक इसको मैंने सेट किया इसके साथ, मेरे के साथ। अच्छा, ये साड़ी रेड है, ये फीमेल है? ये फीमेल है। अच्छा, ये दोनों एडल्ट हो गया? ये एडल्ट हो गया, नौ पॉर खत्म कर दिया, अभी टेंथ फेयर पे है। अभी टेलमा का क्या प्राइस चल रहा है, मार्केट प्राइस? मतलब एक रेंज, ये हम लोग ब्लैक 5000 में देते हैं भैया, बच्चा। हाँ, बच्चा। और ये रेड? रेड ब्लैक सब एक ही में देता हूँ मैं, ज़्यादा कुछ कम ज़्यादा नहीं है। हाँ, क्योंकि मेरा ब्लैक ही ज़्यादा बेबी आता है, मेरे पास रेड आता नहीं है। अच्छा, मेल सब ब्लैक है ना? हाँ, सभी ब्लैक आते हैं। तो मार्किंग में कभी डिस्टर्ब नहीं आता है? नहीं, अभी तक कभी नहीं आया। अच्छा, ये सुंदरी का प्यार, ये भी फॉस्टर है। ये जो लाइन है आपका लेफ्ट साइड, टोटल फॉस्टर है, जितना केज आप यहाँ से लाइन से देखते रहो। तो सबसे अच्छा फॉस्टर कौन सा प्यार है आपका? रेड चीला जो है। हाँ, वो बहुत अच्छा पोस्टर है, और जो ब्लैक जैक हुमर है। हाँ, वो अगर एक भी रहा, मेल अकेला खिला देगा दोनों बच्चा। अच्छा, इतना उसमें। तो हुमर सबसे बढ़िया पोस्टर? हुमर ये रेड चीला, चीला सुंदर, ये जो ब्रीड है। हाँ, ये सब बहुत अच्छा खिला था, और हम तो एक एक बेबी देता ज़्यादातर, तो कुछ दिक्कत होता नहीं। ये जो पूरा लाइन देख रहा है। हाँ, फुल पोस्टर है, फुल पोस्टर है। इधर में बात कर, इसमें आपने मिस कर दिया, वो वहाँ पे जो प्लेयर है मेरा, ये जो मेरा वाइट टॉप आर्चर है। हाँ, इधर भी है वाइट टॉप आर्चर, ये भी पिछला बार बहुत आदमी ने इसको ऊपर रिक्वेस्ट डाला था, ये प्लेयर। क्या अंडा पड़ा है क्या? नहीं, अंडा नहीं दिया, देगा, ऐसा कर रहा है, बिहेव कर रहा है कि अंडा देगा। अच्छा, ये क्या आर्चेंजल है? ये व्हाइट टॉप, इसका सर देखिए व्हाइट है। हाँ, इसलिए इसको बोला जाता है व्हाइट टॉप आर्चेंजल। अच्छा जी, इसको छोड़े क्या अभी? हाँ, इसका प्राइस क्या चलता है? ये बेबी मिलता है अभी 20,000 22,000 ऐसा है कभी। इसको छोड़ू? बहुत अच्छा शाइन, बहुत अच्छा शाइन कर रहे हैं। अब वो अपना केज में वापस जाएगा फिर। अच्छा अच्छा, मेरा पे मेरे यहाँ फैंसी पिजर की ट्रेनिंग है, अपना केज में वापस जाता है। अच्छा, वाह, ये रनिंग प्यार है। हाँ, अपना केज में वापस जाएगा। अगर आपको ऐसे कबूतर चाहिए तो आप संपर्क में रहिए गजल का सर। कितना बार इसका बच्चा बेचा है भैया? ये बच्चा बेचा नहीं अभी तक। कितने बार अंडा दिए थे? अंडा दिया है, लेकिन मैं सही से कर नहीं पाया। अच्छा, अंडा तो तोड़ दिया उसने, झूठ बोल के, अपने हिसाब से बना बना के बोल के, कोई फायदा नहीं है, जो सच है वो बोला। जो सच है, बहुत बढ़िया। ये एक टेलमार्क है, इसमें हमेशा ब्लैक बेबी आता है, हमेशा ब्लैक। अच्छा, क्योंकि मेल ब्लैक है ना। हाँ, मेल के ऊपर डिपेंड करता है, ज़्यादातर डिपेंड करता है। इसका क्रोमोजोम दो है, इसका क्रोमोजोम एक है, फीमेल में एक क्रोमोजोम रहता है, तो मेल क्रोमोजोम से ही हमेशा ह्यूमन की तरह एक सौ एक सेक्स ऐसे होता है। हाँ, तो इसमें इसलिए ज़्यादातर ब्लैक ही बच्चा है, कभी रेड आया ही नहीं अभी तक, आज तक जितना बार बच्चा वो हमेशा। लॉजिक थोड़ा बता दीजिए, एक्स वाई और एक्स एक्स। देखिए, एक्स वाई एक्स एक्स है कि नहीं ये नहीं मुझे मालूम है, लेकिन उस क्रोमोजोम मेल्स हमेशा दो कैरी करता है। अच्छा, और फीमेल एक ही कैरी करता है, तो मेल के ऊपर ही डिपेंडेंट ज़्यादा होता है कि कौन सा कलर आएगा। और उसके ऊपर भी एक लॉजिक होता है कि ब्लैक जो कलर है ये हेवी कलर है, हेवी कलर हमेशा लाइट कलर के ऊपर चढ़ता है, डोमिनेंट कलर, डोमिनेंट होता है, ये डोमिनेंट कलर होता है। बहुत बढ़िया कलर है कलर, इसलिए मैंने कभी इसको सेल नहीं किया, इसका पेयरिंग करके रख दिया। क्या बोलो, चलो ब्लैक और रेड का ही पेयर करेंगे। इसके बच्चे तो बहुत बार बेचे, बहुत बार बेचे, अभी भी रेगुलर फ़ोन आता मेरे पास, इसका बच्चा दे दीजिए, जो जो लेके गया एक बार बोलता और एक पेयर दे दो, और एक पेयर दे दो। और इन लास्ट में देखिए, फॉस्टरिंग पेयर यहाँ पर रखा गया है, यहाँ पर बहुत सारा केज है, इतना तो दिखाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। यहाँ पर जितना बच्चा है, मतलब मास्टर पेयर का बच्चा है फॉस्टर में है, वो आप लोगों को दिखाते हैं, और कैसी ब्रीडिंग प्रोग्रेस है वो आप लोगों को दिखाते हैं। और अगर आपको कबूतर लेना है तो आप भाई को पहले ही, मतलब ये बुक हो जाता जल्दी जल्दी,
तो आप भैया के साथ कॉन्टैक्ट करके कॉन्टैक्ट में रहिए। तो अगर आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो भैया क्या आप एडवांस लेते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं। अच्छा सिर्फ बोलना ही काफ़ी होता है? अच्छा सिर्फ बोलना ही काफ़ी होता है? बोल के रखो, आपका जुबान दो, अगर मेरे पास उस टाइम रहेगा हम आपको बोलेंगे इस दिन देंगे, आप आओ लेके जाओ। अच्छा पैसा पैसा नहीं। और डिलीवरी डिलीवरी के क्या व्यवस्था? डिलीवरी होगा तो करवा देंगे, जो लोग डिलीवरी करते हैं उसका चार्ज बेयर करेंगे, जो खरीदेगा तो ऑल इंडिया डिलीवरी हो जाएगा। हाँ जहाँ बोलेगा हो जाएगा, लेकिन ऑल इंडिया के लिए एक दो करना तो उसके लिए चार्जेस बहुत हाई हो जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर आकर देख कर ले जाना सबसे बढ़िया होगा, वो सबसे अच्छा होता है। हम लोग बोलते थे आ जाओ, जैसे कल हमने बुलाया दो आदमी को, जैसे ये फीमेल के अंदर स्क्विरल भी घुस गया। हाँ वो तो खाता रहता है सारा दिन, वो सारा दिन खाता रहता है, उसको फ्री में खाना मिलता है ना, एक नहीं है बहुत सारा है, बहुत सारा है, देखिए बहुत सारा है, घूमता रहता है खाता रहता है। और चार तरफ तो फ्रूट्स का मतलब पेड़ है, वैसे ही आ जाता है। तो चलिए ब्रीडिंग प्रोग्रेस थोड़ा देखते हैं। हाँ देखिए इधर पे एक पॉटर, ब्लू पॉटर का बेबी है। अच्छा ब्लू पॉटर का बेबी है, ये ब्लू रेसर खिला रहा है इसको, रेसर। चलिए नेक्स्ट। अभी अच्छा ये क्या है? ये ब्राउन लेस ब्लॉन्डिनेट का बेबी है। अच्छा एक एक करके क्यों दिया जी? मैं हमेशा एक ही देता हूँ, कभी दो नहीं देता। एक देने से अच्छे से फीड के कराता है, बहुत फीड अच्छा से कराता है वो, ये बहुत आसानी होता है। ये जो ट्रम्पेटर मैंने बोला उसी का, उसी ब्लड लाइन में मेरा दो कलर आता है, रेड भी आता है ब्लैक भी आता है। ये देखिए ये बच्चा ब्लैक हुआ, उसी का अंडा है। अच्छा लेकिन ये ब्लैक है देखा, ये सेल के लिए हो गया मतलब अब कुछ दिन नहीं, बाद में देखेंगे ब्लैक कलर आया सेल करेंगे नहीं करेंगे बाद में देखेंगे। अच्छा पहले तो अपना शौक भी पूरा होना चाहिए। हाँ अच्छा इसी का ही बेबी फिर से नीचे में भी। अच्छा हार्ट फोस्टर के पास तो बच्चा है शायद। हाँ इसका बेबी, आए ज़्यादा गुस्सा मत दिखाओ, ये भी ट्रम्पेटर का ही बच्चा है, ऊपर में ब्लैक हुआ, पता नहीं ये क्या कलर आएगा, थोड़ा बड़ा होगा मालूम चलेगा ब्लैक होगा कि रेड होगा, लेकिन उसी ब्लड से मेरा दोनों आता है, ब्लैक भी आता है रेड भी आता है। यहाँ भी पॉटर का बेबी है, ये भी पॉटर का बेबी है, उसमें भी क्या पॉटर, वो ब्लू पॉटर से ही ये आया है, ये शायद रेनबो कलर आएगा, ये ब्लैक या ब्लू नहीं आएगा, रेनबो आएगा, ये रेनबो कलर आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंडा है लेकिन ये अभी हैच करने में देरी है, दो तारीख के। अच्छा इसके अंदर पॉटर का बच्चा है, पॉटर का अंडा है, हैच होने में भी दो तारीख। अच्छा 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 2 फरवरी को हैच होगा, ये अभी हैच नहीं। इसके इसके नीचे में इसके पास चीले का अंडा दिया हुआ है, रेड चीला। ओके इसके पास भी ट्रम्पेटर का अंडा दिया हुआ है। अच्छा ये भी अभी हैच होने का टाइम है, अभी चेकिंग करना है 31st को ब्लड आया कि नहीं आया। अच्छा उसके बाद फिर डेट लिखेंगे कब इसको इसका हैचिंग होगा। ओके ठीक है इसके पास भी देना है, फिर भी अंडा हम लोग देख सकते हैं चाहे तो, अभी चाहे तो अभी लाइव देख सकते हैं क्या हुआ रिजल्ट, थोड़ा दिखा है ना। हाँ एक बार देखते हैं, मेरे को भी डेट 31st है, फिर भी अभी ट्राई करके एक बार देखता हूँ क्या हुआ, ब्लड आया नहीं आया। हाँ तो ब्लड आ गया। अच्छा ये देखिए ब्लड आ गया। कितना दिनों में ऐसा ब्लड ऐसे कंडीशन है? 6 दिन लगता है मोटा मोटी, 6 दिन में ब्लड आ जाता है सही से, 4 दिन में आना शुरू हो जाता है, 6 दिन में बहुत प्रोमिनेंट समझ में आता है। ये उसका अंडा नहीं, ये उसका अंडा है, ये खुद का उसका, ये ट्रम्पेटर का नहीं है। अच्छा ये अंडा हम लोग बाद में इसको हटा देंगे, सिर्फ एक ही अंडा रहेगा ट्रम्पेटर। अच्छा अच्छा इधर बच्चा नहीं है, ये सब अंडा लेकर बैठा है सब, मतलब सारे के सारे बहुत सारा है। यहाँ पे पोमेरियन का अंडा है, यहाँ पे हुमर का अंडा है, यहाँ पे एक अंडा, ये अभी देखिए अंडा अभी छेद हो रहा है, देखिए अंडा अभी नहीं दिखाई दे रहा है, बच्चा निकलने वाला है इसे। हाँ हाँ एक दो दिन के अंदर ही हो जाएगा। हाँ एक शायद आज रात को हो जाए। अच्छा इधर और एक पॉटर का बेबी है, ये भी एक पॉटर का बेबी है, इधर भी एक। वाह तो ठीक है जी, थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, कबूतर मतलब आप कैसे इतना हेल्दी रखते हैं, क्या ट्रीटमेंट करते हैं, कैसे मैनेजमेंट करते हैं। नया बंदा ये कबूतर
मतलब पालने में इंटरेस्ट होगा तो कैसे शुरू कर सकते हैं, कैसे शुरू करना चाहिए? ओके, देखिए अगर दो तरह से आप पाल ये हॉबी को ले सकते हैं, कोई कोई इसको प्रोफेशनल ले लिया कि यही करना है, दूसरा काम नहीं करेंगे, इसी से ही पैसा कमाता है, यही कमाना है, यही मेरा हॉबी, यही मेरा बिजनेस है, दिस इज माई जॉब, तो कोई कोई इसी को मेन प्रोफेशन ले लिया, कोई कोई इसको साइड में रखा है, हॉबी है, थोड़ा इनकम भी आता है और इसको ही फिर धीरे धीरे बड़ा करेंगे। लेकिन अब जो भी मत दबाई दी, जितना हो सके नेचुरल पर तो एजिथ्रोमाइसिन है, सस्पेंशन है। हाँ, और अभी जो कॉमन बीमारी है पीजियंस का, वो है भाई आर से लेकर ग्रीट है, 20 किलो का पैकेट मिलता है वाट से लेकर, वही ये 2380 रुपया ऐसा कुछ दाम है। तो जी ये डिस्कशन का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट में डाल देंगे, आप लोग देखते रहिए, बहुत कुछ जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और नया है इस चैनल में तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और यहाँ पर नंबर दिया हुआ है भैया का, आप लोग फ्रीली भैया के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं जल्द।